स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। देश प्रदेश में शासन के सहयोगी ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारों के साथ अनेकों प्रकार की मारपीट और हमले की घटना बढ़ रही है, जिसमें अब तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजगढ़ के सारंगपुर में पत्रकार सलमान अली की उनके मासूम बच्चे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और वहीं गुना में पत्रकार हेमराज जाटव से खुलेआम जमकर मारपीट की गई है। इन घटनाओं के आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा देने और सारंगपुर के दिवंगत पत्रकार सलमान अली के परिवार को आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए स्वीकृत करने और मृतक के एक परिजन को शासकीय नौकरी देने बाबत श्रमजीवी पत्रकार संघ लटेरी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इकाई लटेरी जिला विदिशा द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि बीते कुछ समय से देश और प्रदेश में अनेकों स्थानों पर शासन के सहयोगी निष्पक्ष पत्रकारों पर हमले की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि है, जिसका ताज़ा मामला राजगढ़ जिले के सारंगपुर के युवा समाज सेवी पत्रकार सलमान अली की उसके 9 साल के मासूम बेटे के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने बर्बरतापूर्वक गोली मारकर हत्या करने वालों की गिरफ्तारी करके फांसी दी जाए, तो वहीं गुना के पत्रकार साथी हेमराज जाटव के साथ खुलेआम मारपीट करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाए, और इसमें कोई षड्यंत्रकारी दबंग है तो उसे भी उम्र कैद की सजा दी जाए। पत्रकारों के विरुद्ध इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं से पत्रकारों में भय का माहौल है। इन हालात में पत्रकार शासन प्रशासन का सहयोग किस प्रकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए शासन को पत्रकारों की रक्षा हेतु जल्द सख्त कानून बनाकर लागू करना चाहिए, और कभी किसी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किसी ईमानदार पत्रकार के विरुद्ध की गई थी शिकायत में किसी बिना जिला उच्च अधिकारी की जांच के मामला पंजीबद्ध न करने की मांग भी की गई है। फांसी की मांग करते हैं। बिल्कुल, मैं सलमान अली की हत्यारों के लिए फांसी की मांग करता हूँ और शासन से अनुरोध करता हूँ, शासन प्रशासन से उन्हें मुआवजा की राशि कम से कम 10 लाख रुपए। सर, आपसे एक सवाल हो रहा है कि जैसा कि आप पत्रकार हैं और जिले में श्रमजीवी के पदाधिकारी भी रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों का आपको जो है पत्रकारिता का अनुभव है? मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल से मैं श्रमजीवी से जुड़ा हूं। पहले लोकल वार्डी में रहा, फिर जिले में हूँ। तो पत्रकारों पर जो जगह जगह आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, निष्पक्ष रूप से काम करने वाले पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जाता, तो इस विषय में पत्रकारों के लिए आप जो कानून मांग रहे हैं उस पर शासन प्रशासन की क्या सहमति है? अभी देखो, मामला शासन के पास जाएगा, शासन उसको देखेगा, तो उसके लिए जरूर कानून बनेगा, मुझे भरोसा मोहन सरकार जरूर ये काम करेगा। यहाँ हमारे मुरारिया एक्सप्रेस के संपादक श्रीमान जगदीश जी योगी यहाँ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर, इस प्रकार की पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं, पत्रकारों के कहीं कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं जो है झूठी शिकायत हो रही है, FIR दर्ज हो रही है, इस विषय को लेकर जो ना तो घोर निंदा करते हैं। समझे भी पत्रकार संघ जो ना घोर निंदा करता है, इसकी घटना नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे ताज़ा मामला है राजगढ़ जिले का, नरसिंहपुर तहसील का, यहाँ पे पत्रकार की गोली मार कर हत्या कर दी गई है, जो वो हमें इसकी घोर निंदा करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, और इसके आरोपियों को जो ना फांसी सजा होना चाहिए, और कम से कम परिवार की सहायता राशि 50 लाख। ठीक है। और इसी प्रकार गुना जिले में भी एक मारपीट हुई है हेमराज जाटव जी के साथ, उस पर भी जगह जगह ज्ञापन हो रहे हैं। जी हाँ, वो भी जो ना अच्छा नहीं हुआ, वो पत्रकार इस तरह की घटना जो हो रही है निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। सर, लटेरी श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा सारंगपुर में हुई हत्या, पत्रकार साथी की हुई हत्या, और गुना में एक मारपीट की जो घटना हुई है उसके खिलाफ कोई आवेदन आपको दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है थोड़ा बताएं? जिला राजगढ़ के सहारनपुर में घटित पत्रकार की बंदी की जो हत्या है उसके प्रकरण में, गुना के संबंध में जो पत्रकार के साथ में घटना घटित हुई है उसके संबंध में यहाँ स्थानीय समझी पत्रकार संघ लडेरी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। सर, क्या क्या मांगें की गई हैं ज्ञापन के द्वारा ये पत्रकारों को? ज्ञापन में जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उन्हें सुरक्षा, और जो सहारनपुर में घटित घटना है उसमें उनके परिवार को मुआवजे की अपेक्षा की गई। ठीक है सर। Thank you.
और मृतक परिवार के किसी भी एक परिजन को शासकीय नौकरी देने बाबत श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश ग्रामीण पत्रकार संघ इकाई लटेरी जिला शिक्षा आपसे निवेदन करते हैं कि विगत के समय निकट पारदर्शी एवं शासन के सहयोगी पत्रकारों पर हमले की घटनाओं में अधिक वृद्धि हुई है, जिसका ताज़ा मामला राजगढ़ जिले के सहारनपुर के युवा समाजसेवी पत्रकार सलमान अली जी से उनके 9 साल के मासूम बेटे के सामने घर भर का पूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना हृदय को दुख पहुंचाने वाली है, इसकी हम पत्रकार साथी कड़ी निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश रंगी पत्रकार संघ गए लटेरी के समस्त पत्रकार ज्ञापन के माध्यम से आपसे निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि पत्रकार सलमान अली जी के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर मृतक परिवार के आश्रितों के आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की स्वीकृति किए जाएं और एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। इसी प्रकार ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ।